हेलो एवरीवन, इस सेशन का टॉपिक है एडवांस रिसीव कैंसिलेशन। यदि किसी पार्टी से आपने एडवांस ले लिया और एडवांस ले लिया, आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उस केस में क्या प्रोसेस होगा वो मैं डिस्कस करूँगा आज। इससे पहले मैंने क्या किया, एडवांस रिसीव का एक सेशन बनाया, आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। पहले एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, यहाँ पे F11 कर लीजिएगा, ठीक है। F11 और F3 हमें क्या करना है, GST के साथ काम करना है। यहाँ पर एडवांस रिसीव दिख रहा होगा, ठीक है, इसको यस कर लीजिएगा। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है किसी पार्टी से अगर रिसीव करते हैं तो हमें F6 का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो किसी के साथ हम कंट्रोल अल्ट के साथ वी प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्ट के साथ एन। एन में नेचर पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पहले एडवांस लेंगे, फिर एडवांस लेने के बाद उसको वापस भी करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले एडवांस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद किस पार्टी से कर रहे हैं, तो अल के साथ सी करके हम लिखेंगे पार्टी का नाम। पार्टी का नाम हमने लिख दिया तरुण। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सनरी क्रेडिटर। इसके बाद इसका हम पूरा डिटेल सेट कर लेंगे, इसको हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे पूछेगा किस आइटम के लिए, तो इस बार मिला है माउस के लिए प्रोडक्ट। और कितना अमाउंट मिला है, एडवांस मिला है मुझे 10,000 रुपये, और यहाँ पर अमाउंट हम चेंज भी कर सकते हैं, 6,000 5,000, जिसके हिसाब से काम होगा उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो एडवांस कर लीजिए इस बार 15,000 रुपये, एंटर करिएगा, ये सब डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें क्या करना होगा, आइटम पर क्लिक करिएगा, ले जाइएगा और कंट्रोल इंटर प्रेस करिएगा, इसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेसरीज़ है, पीस में है, स्टैंडर्ड रेट आप बना लीजिए अपने हिसाब से कि इसको हमें किस रेट से बेचना है। इसे प्रोडक्ट माउस है, इसका कॉस्टिंग प्राइस पड़ा है 90 रुपये, इसको बेचना है किस प्राइस से, इसको बेचना है हमें 160 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पे यस कर लेंगे और इसका हम डिटेल फिट कर लेंगे, 18% टैक्स। साथ ही यहाँ पे हमने दे दिया 1,000 पीसेस स्टॉक में हमने रख लिया। और अब देखो, हम 15,000 हमें एडवांस मिला है, इसको हम क्या करेंगे, एडवांस रखेंगे, और कब देना है यहाँ पे ये डिसाइड है, 30 दिन बाद, 31 मई, या कर लो यहाँ पे 31 दिन बाद, ठीक है, 1 जून को देना है, तो सीधा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करो, एडवांस ले लो तो बैंक से ले लो, एक बैंक अकाउंट बना लो, अल्टसासी या हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, हमने ले लिया, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें क्या करना होगा, अच्छा डिटेल क्या होगा, टैक्स इनकम, एक मिनट, ये जो टैक्स एडवांस बनेगा, एक वाउचर क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पे हमें इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो काम आप यहाँ कर रहे हो वो काम आप GST के अंतर्गत भी कर सकते हो, ठीक है। अगर GST के अंतर्गत काम करना है, यानी GST के एरिया में काम करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं और एक ऑप्शन होता है हमारे पास स्टेचरी, ये आपको दिख रहा है वाला ऑप्शन, यहाँ GST लिखा हुआ है, और GST 1 में जाइएगा, सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे 00 दिख रहा है क्योंकि हमने काम किया है 1 मई को काम किया है, ठीक है। तो हम प्रेस करेंगे F2, यहाँ पर सेट करेंगे 1/4/18 से, और हमें जो डेट मिले 2/7/2018 तक का जितना भी डेटा हो वो डिस्प्ले हो जाए। अब नीचे आ जाओ, अब यहाँ पर दिख रहा है कि अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लायर, तो इसको ओपन कर लो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिस्टर तरुण, इंटर प्रेस करो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 18% बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हो टैक्स इसका टोटल
अमाउंट है 15,000 रुपये और टोटल टैक्स कितना है 2288 रुपये 14 पैसे। और CGST GST कितना है वो देख लो ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहीं से एडजस्ट करना है, तो अल्ट के साथ जे प्रेस करेंगे। अब ये पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यहीं से भी कर सकते हो इंक्रीज अप टैक्स लाइबिलिटी। तो इसमें हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, ऑन अकाउंट एडवांस रिसीव, हमने ओपन केस को। अब पूछेगा कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने बनाना था टैक्स ऑन एडवांस का, तो इसको हमने ओपन किया। इसके बारे में क्या है, इसको हमने रखा है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका अमाउंट, अमाउंट कितना था 22,288 रुपये 14 पैसे टोटल था, हम इंटर करेंगे। अब पूछेगा क्या कि CGST और SGST वाला अमाउंट, ठीक है, तो हमें सेलेक्ट करना होगा कितना परसेंट है, 18% था तो हमें 9% रखना पड़ेगा। उसका अमाउंट लिखना होगा 11,144.07 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे SGST, यहाँ पे 9%, इसको हम क्या करेंगे सेव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है GST डिटेल के लिए, हम इसको यस कर लेंगे। और किसके साथ काम कर रहे थे हम, उनका नाम जैसे हम देंगे वो मिस्टर तरुण, ठीक है, उनका पूरा डिटेल आ जाएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इनकी लाइबिलिटी बुक हो चुकी, ठीक है। इससे पहले क्या था, ये ब्लैंक था, अब इनकी लाइबिलिटी पूरी पूरी बुक हो चुकी। अब देखिए क्या होगा इसके आगे, इसके बाद हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में, F5 प्रेस करेंगे। F5 के अंतर्गत हमें क्या करना होगा, हमें अल्ट के साथ S प्रेस करेंगे सिंगल मोड के लिए। यहाँ पर पेमेंट वाउचर हमने ओपन कर लिया है और हमें प्रेस करना होगा अल्ट के साथ S। GST को हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद इसका डेट हमने सेट कर लिया कि 1/4/18 से लेकर के कब तक अप्लीकेबल करना है, तो हमने लगाया था 1/5/2018 पे अप्लीकेबल। और यहाँ पे क्या है, एडवांस है, रेगुलर है, वो चीज़ पूछता है, आप इसको भी सेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम सेट कर लेंगे एडवांस। और इसके बाद क्या करना होगा, हमें SGST और CGST को हम सेलेक्ट करेंगे। जो अमाउंट हमारे पास था, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास कई सारे हमने आइटम को यूज़ किया था, तो यहाँ पे अमाउंट को ज़्यादा दिख रहा है, तो हमारे पास कितना अमाउंट था, हमारे पास अमाउंट था 11,144.07 रुपये, ठीक है, सॉरी 1,144.07 रुपये। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। और ये जो हम यूज़ करेंगे ना, सिंगल मोड में यूज़ करेंगे, F5 करेंगे, यहाँ पर यस कर लेंगे सिंगल मोड, और यूज़ कर लेते हैं हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और इसको हम कर लेंगे सेट कर लेंगे CGST और SGST। अमाउंट हमने लिख देना है 11,144.07, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको हमें सेव करना होगा, ये गवर्नमेंट को हमने पे कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यस करिएगा। और आप केस के माध्यम से कर रहे हो, काउंटर के माध्यम से, चेक के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर हमने चेक रख दिया, क्रेडिट कार्ड डेबिट रख दिया, ई पेमेंट रख लिया, तो यहाँ पर हमें पूरा पूरा डिटेल देना पड़ेगा, आप देकर इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये सेव हो जाए, इसके बाद क्या करिएगा, हमने एडवांस भी लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब इसी बीच में क्या हुआ, पार्टी ने सामान नहीं खरीदा और कैंसिल कर दिया आइटम, यानी अपना जो एडवांस दिया था, बोला भैया कि इसको कैंसिल कर दीजिए, ऑर्डर हम नहीं लेंगे। तो अब क्या करेंगे आप, आपके लिए कुछ एक दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर को हम ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अल्ट के साथ, यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली अल्ट के साथ वी प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अल्ट के साथ वी प्रेस नहीं करना है, हम वापस आएंगे पेमेंट वाले वाउचर में, इसको हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, अल्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये तो वापस आएगा नहीं, अलग से हम एन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें एक ही मिलेगा क्या, रिफंड ऑफ एडवांस रिसीव। ठीक है, हमें इसको ओपन करना है और हमें किसको सेलेक्ट करना है, जो पार्टी है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया मिस्टर थेरून, हमने ओके किया। अब किस किस आइटम पे था हमारे पास, हमारे पास था प्रोडक्ट, एंटर करेंगे, रिफंड कितना करना, 15,000 रुपये। ठीक है, एंटर करिए, अगेंस्ट रखिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसको सेम सेव कर लीजिएगा, और हम अपना बैंक सेट करेंगे क्योंकि बैंक से हमने लिया था ना, यहाँ पे पूरा पूरा हम डिटेल सेट करेंगे। इसके बाद प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस करेंगे। रिसीप्ट नंबर क्या था, अभी आप रिसीप्ट नंबर आपको पता नहीं होगा तो आप काम करने में प्रॉब्लम फंस जाओगे। ठीक है, तो रिसीप्ट नंबर डेट ही रहेगा, उसी के माध्यम से इसको कैंसिल कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, फिलहाल इसको पूरा बैक कर लो, बैक करने के बाद यहाँ पे चले जाओ अकाउंटिंग वाउचर में, आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया था। आप मिस्टर हम वापस इसको करेंगे, मिस्टर तरुण को हमने सेलेक्ट किया, और हमें कितना वो अमाउंट हमें लिखना होगा यहाँ पे, अगेस्ट करेंगे, ये हमें बिल मिल जाएगा जो हमने काम किया था, हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। हमने इसका वाउचर का रिसीप्ट नोट देख लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट, माउस के लिए हमें मिला था 15,000 रुपये, हम क्या करेंगे 15,000 रुपये रिफंड होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेंस्ट बिल यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, बैंक से वापस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका डिटेल फिट कर लेंगे जी, और यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस करिएगा। रिसीप्ट नंबर 4 था, डेट कौन था, 1/5/2018 का, सेव कर लीजिएगा इसको। सेव करने के बाद क्या करना होगा, देखिए अब क्या होगा, हमें इनपुट क्रेडिट चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ओपन करना होगा जनरल वाउचर, F7 करेंगे। F7 करने के बाद हमें यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, अलग से जे प्रेस करेंगे, यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज टैक्स लाइबिलिटीज, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ लिखा होगा कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसीव, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसीव, इसको सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो हमने सी जी एस टी एस जी एस टी पे किया है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे सी जी एस टी, और क्या रेट था हमारे पास, हमने रखा था 9%। ठीक है, इसका अमाउंट कितना था, 1,144 रुपये 0.07 पैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे 11, हम यहाँ पे हमने टाइप कर देना है, और यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने टैक्स लाइबिलिटी बनाया था इसको सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये 0,0 अमाउंट हो गया, समझ में आया। इसको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस कर लेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, एडवांस रिसीप्ट नंबर क्या था, तो नंबर 4 था, एडवांस रिसीप्ट डेट क्या था, 1/5/2018, और रिफंड वाउचर नंबर क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आप नहीं कर पाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इस पर संशोधन करेंगे, तो यहाँ पे देख लो, इस चीज़ रिफंड का वाउचर नंबर क्या था, उसी के माध्यम से काम होगा, तो आपके पास उसका पूरा स्लिप होना चाहिए ना, तो आप डी डी प्रेस कर लो। डी डी प्रेस करने के बाद रिफंड वाला जो हुआ था उसको हम देख लेते हैं, ये रिफंड वाला जो स्लिप नंबर है 2 है, हम वापस जाएंगे जो हमने अभी सेट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम वापस उसी बाउचर में आ गए, यहाँ पे हमें पूरा डिटेल फिट करना पड़ेगा जो हमने छोड़ दिया था, यस करेंगे। और एडवांस रिसीव नंबर 4 था, डेट था, और रिफंड वाउचर नंबर था 2। ठीक है, और रिफंड वाउचर डेट क्या था, 1/5/2018, जो डेट रहेगा वही रखोगे। लेजर किसका था, मिस्टर तरुण का, एंटर करो, इनका पूरा पूरा डिटेल आ जाएगा। इसके बाद सेव किया आपने,
है, सेव करने के बाद इसके बाद हम बैलेंस शीट में जाएंगे और आपका जो अमाउंट होगा वो आप करेंट एसेट में चेक कर लोगे, वो आपको दिख जाएगा कि आपका इनपुट क्रेडिट वापस हो गया। ठीक है, यानी जो आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को तो वो टैक्स वाला अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब इसको ओपन करके कुछ देखना चाहे तो येस कर लेना, F12 प्रेस करके पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप डिस्प्ले में जाओगे और स्टेचुरी रिपोर्ट GST GSTR1 में जाओगे, यहाँ पे अपना पूरा पूरा डिटेल आप देख सकते हो, जो यहाँ पे लाइबिलिटी वगैरह था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना होता है, जिस डेट में आपने काम किया है F2 प्रेस करते हो, और हमने सेट कर लिया था कि 1/4/2018 से 1/7 के बीच में जो भी काम हुआ है वो दिख जाए, तो 1/4/2018 1/7/2018। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हम नीचे जाके देख चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था अनएडजस्टेड था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करिए, आप GST में जा कर के GSTR1 यानी सेल्स वाला जो काम है इसमें देख लीजिएगा, पूरा पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।